इंतखाबी नताइज में गैर मामूली ताखीर, कौमी असम्बली की 34 नशस्तों के गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज मौसूल, 19 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब, 8 मुस्लिम लीग नून और 6 पीपल्स पार्टी ने और 1 JUIF ने हासिल की है। पोलिंग मुकम्मल हुए 18 घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक गिने चुने हलकों के ही मुकम्मल नताइज आए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की धमकी और डेडलाइन बेकार, रात 2 बजे दी जाने वाली आधे घंटे की डेडलाइन को भी घंटों गुजर गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 2100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल का कहना है कि गैर मुतवक्के इंतखाबी नताइज पर इंडेक्स 3% से ज्यादा गिर गया। पंजाब असम्बली की 31 नशिस्तों के गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। 18 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और 11 आजाद उम्मीदवारों ने जीती। मुस्लिम लीग काफ 2 नशिस्तों पर कामयाब। पंजाब से कौमी असम्बली की 10 नशिस्तों में से 8 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीत ली, 2 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। सिंध असम्बली की 35 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। 35 की 35 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। सिंध से कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों के नताइज मौसूल, तमाम नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। खैबर पख्तूनख्वा की 30 सूबाई नशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल, 28 नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों ने जीत ली। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 1-1 नशिस्त पर कामयाब। KP से कौमी असम्बली की 17 नशिस्तों में से 16 पर आजाद उम्मीदवार जीत गए। बलोचिस्तान की 4 सूबाई नशिस्तों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी। मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी को 1-1 नशिस्त मिल गई। 1 नशिस्त पर हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। कई बुर्ज उल्टे तो कई नशिस्तों का दिफा करने में कामयाब। शहबाज शरीफ कौमी, मरियम नवाज सूबाई असम्बली की नशिस्त जीत गईं। मौलाना फजलुर रहमान को डेरा इस्माइल खान में PTI के हिमायत याफ्ता अली अमीन गंडापुर ने बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। मुल्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन PTI के हिमायत याफ्ता आमिर डोगर से हार गए। साबिक वज़राए आला परवेज़ कटक और महमूद खान अपनी नशिस्तें हार गए। रहनुमा NP एमल वली और अमीर हैदर होती को भी शिकस्त। बैरिस्टर गोहर, अली मोहम्मद खान, असद कैसर और शानदार गुलजार कामयाब। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही को सूबाई असम्बली की नशिस्त पर सालिक हुसैन के हाथों शिकस्त। सिंध में मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर अपनी नशिस्तें जीत गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंतखाबी नताइज नाकाबले यकीन हद तक सुस्त रवि का शिकार है, ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इब्तदाई इंतखाबी नताइज हौसला अफजा है। PPP उम्मीदवार, हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। देखते हैं कि आखिर में हतमी नताइज क्या होते हैं। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि विफाक और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। पार्टी के इंतखाबी सेल में नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज ना होने की बिना पर नताइज के हुसूल में दिक्कत पैदा हुई। मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत है। और तहरीक इंसाफ को 150 से जायद नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है। KPK और विफाक में अगली हुकूमत बनाएंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 2 बजे तक नतीजे का ऐलान करना होता है, हमें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा, सपोर्टर पुरअमन रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल ने कहा कि जिस किस्म के हालात का हमें सामना था उसमें इन नतीजे का आना हौसला अफजा है।